हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल ब्राउन स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ एक और जीके का टेस्ट, या आप इसे कह सकते हैं कि जीके की सीरीज़ जो कि हमारी काफ़ी समय से चल रही है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको 20 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊँगा जिसमें से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्योंकि ये सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो टॉप 20 जीके सीरीज़ को आज कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने फर्स्ट क्वेश्चन मैं दिखाने वाला हूँ। उससे पहले जिन बच्चों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली। क्या पूछा गया? विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली। आपको पता होना चाहिए कि विश्व में प्रथम रेलगाड़ी जो चली थी वो कब चली थी, जिसको आप ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाना है 1825, मतलब 1825 ईस्वी। कब चली थी? तो 1825 ईस्वी में चली थी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिया गया है, सेकंड नंबर बोला जा रहा है यहां पर। देखिए क्या बोला गया, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। आपको बताना है यहां पर कि भारत का कौन सा ऐसा बांध है जो कि सबसे ऊंचा नदी बांध है। आपके सामने चार ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, हीराकुंड बांध, भाखड़ा नांगल बांध, सरदार सरोवर बांध या फिर टिहरी बांध। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाना है यहाँ पर टिहरी बांध। क्या हो जाएगा? टिहरी बांध आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिया गया, थर्ड नंबर। देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, बोला जा रहा है गारो खासी जयंतियाँ नामक पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है। आपको यहाँ पर बताना है जो गारो खासी जयंतियाँ नामक पहाड़ियाँ हैं वो कौन सा भाग ऐसा है जिसका वो हिस्सा है, या आप बोल सकते हैं कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, हिमालय पर्वत का या पूर्वांचल की पहाड़ियों का, किसका हिस्सा है आपको बताना है। तो हिमालय पर्वत का या फिर पूर्वांचल की पहाड़ी का या फिर अराकान योमा पर्वत का या प्रायद्वीपी पठार का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाना है प्रायद्वीपी पठार। क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपी पठार आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया, फोर्थ नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर। देखिए क्या बोला गया, फोर्थ नंबर बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी इनमें से ऐसी पर्वत श्रेणी है जो कि सबसे प्राचीन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, हिमालय, अरावली, विंध्याचल या फिर सतपुड़ा। तो आपको पता होना चाहिए कि अरावली पर्वत श्रेणियाँ जो हैं वो बहुत ही प्राचीन हैं, या आप बोल सकते हैं कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियाँ हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया, फिफ्थ नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वूलर झील किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि भारत में जो ताजे जल की झील होती है तो वो सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वूलर झील है। आप में से काफ़ी बच्चों को पता भी होगा, तो वो किस राज्य में स्थित है वूलर झील, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाना है जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया, सिक्स नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर, पिछौला झील का संबंध किस राज्य से। क्या बोला गया? पिछौला झील का संबंध किस राज्य से है, आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, हरियाणा, झारखंड, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाना है राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पिछौला झील जो है वो राजस्थान में ही पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिए गए, सेवन्थ नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है। आपको यहाँ पर बताना है कि जब 2011 की जनगणना हुई तब उसके अकॉर्डिंग सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है, जिसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, ऐसा कौन सा राज्य था। तो वहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाना है? राइट आंसर आपका हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिहार जो है वो ही है एक ऐसा राज्य जिसमें सर्वाधिक घनत्वता पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, एट नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर,
भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? आपको यहाँ पर बताना है कि भारत में सबसे बड़े बड़े जो बंदरगाह हैं उनकी संख्याएं कितनी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाना है यहाँ पर 12, मतलब 12। कितनी हैं? तो 12 आपकी सबसे बड़े बड़े बंदरगाहों की संख्या हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, 9th नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर। भारत में समुद्री तटरेखा क्षेत्र वाले राज्यों की संख्या कितनी है? आपको यहाँ पर बताना है कि समुद्री तटरेखा वाले कितने ऐसे राज्य हैं भारत में जो कि समुद्र के साथ तटरेखा बनाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है 7, 8, 9 या फिर 13। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाना है 9। क्या हो जाएगा? 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है यहाँ पर, 10th नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपको यहाँ पर बताना है कि कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी काफ़ी ट्रिक भी होती है, तो काफ़ी बच्चों को पता होना चाहिए ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 8। कितने राज्यों से गुजरती हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाना है? 8 राज्यों से। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, 11th नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर। देखिए, बोला गया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? आपको यहाँ पर बताना है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है उसके अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं 4, 5, 6 या फिर 8। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाना है 8। कितनी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, कितने प्रकार की? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 प्रकार की। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है यहाँ पर, 12 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? आपको यहाँ पर बताना है कि भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 2, 3, 4 या फिर 5। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाना है 3। कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है यहाँ पर, 13 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? आपको यहाँ पर बताना है कि लक्षद्वीप समूह जो है वहाँ पर द्वीपों की संख्या कितनी है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 26, 36, 37 या फिर 43। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाना है 36। क्या हो जाएगा? 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, 14 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? आपको यहाँ पर बताना है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाना है 1872 ईस्वी। कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, 15 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको यहाँ पर बताना है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाना है देहरादून। क्या हो जाएगा? देहरादून आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देहरादून में ही भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, 16 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? आपसे क्या बोला गया? विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाना है लाल पांडा। क्या हो जाएगा? लाल पांडा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विश्व वन्य जीव कोष जो है उसके प्रतीक चिन्ह में लाल पांडा होता है। तो यहाँ पर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, 17 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपको पता होगा भाखड़ा नांगल बांध जो बनाया गया था उसकी जो परियोजना थी वो किस नदी पर स्थित है, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाना है सतलज नदी। क्या हो जाएगा? सतलज आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, 18 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपको यहाँ पर बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल तो आप लोगों को पता होगा, तो यहाँ पर आपसे पूछा जो गया है कि सबसे बड़ा एरिया कौन सा है, किस राज्य का है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाना है यहाँ पर राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाना है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, 19 नंबर बोला जा रहा है यहाँ पर।
भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। आपको यहाँ पर बताना है कि भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है वो क्या कहलाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि उस रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा, जो कि भारत और चीन के बीच में है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, यहाँ पर 20 नंबर बोला जा रहा है। यहाँ पर नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। आपको यहाँ पर बताना है कि जो नासिक है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाना है गोदावरी। क्या हो जाएगा, गोदावरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आज की टेस्ट सीरीज आपकी समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। अगर इन क्वेश्चन सीरीज का आपको PDF चाहिए हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसे ओपन करिए, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहाँ से आप PDF ले पाएँ, क्योंकि डेली की डेली PDF वहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। कल मिलूँगा मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।